KSN 24 पल पल की खबर। बेमेतरा जिला के साजा में तहसीलदार की दबंगई के बाद SDM की दबंगई सामने आया है, जिसमें SDM आशुतोष चतुर्वेदी पर आरोप है कि उसने थाने बुलाकर फल विक्रेता से मारपीट किया, जिसकी लिखित शिकायत पीड़ित देव सिंह सिन्हा ने साजा थाना में किया है। पीड़ित के अनुसार उसे परिवार सहित पुलिस भेजकर SDM साहब के द्वारा बुलाया गया और रोड किनारे लगे पेड़ को उनके बच्चों द्वारा काटने का आरोप लगाकर जमकर मारपीट किया गया। वही मामले में SDM आशुतोष चतुर्वेदी के द्वारा किसी भी प्रकार की मारपीट करने से इनकार किया जा रहा है। SDM की माने तो उनको केवल पेड़ नहीं काटने की समझाइश दिया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले साजा में पदस्थ तहसीलदार ने भी किसान के साथ मारपीट किया था। उसके कुछ महीनों बाद ही SDM के द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। देव सिंह का हो रही पूरा मामला? वो बच्चों ने वृक्ष को तोड़ दिया है, है ना? तो हम लोग को घर में पुलिस वाले आए, उन लोग को बुला रहे हैं, इसे मेरे को बाबूजी को बुलाया है तो गए हैं। तो उसके बाद तुम ही तोड़े हो ऐसे करके ना, उसके बाद बोला नहीं सर मैं है ही नहीं था इसे करके बोला हूँ। और ओखर बाद तन फिर चलो अंदर ऐसे करके बुले से, ओखर बाद ना तन फिर मारी से भी। मारे कौन हमें? SDM साहब। तो पुलिस वाले मन? पुलिस वाले मन नहीं मारी। देखिए पेड़ कटाई को लेके सभी पूरे लोग वहाँ पे मौजूद थे, सभी के सामने उनको बुला के समझाइश जरूर दी गई है, पर ये जो मारपीट की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल निराधार है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। हाँ पेड़ काटना नहीं है, इस बात को लेके हमने उन्हें समझाइश दी है, और एक्चुअली वो दुकान के सामने पेड़ लगाने भी नहीं देना चाह रहे थे, पेड़ उसके बाद काट दिए और किसी तरीके से दबाव बनाने का प्रयास अब कर रहे हैं वो कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। परिवार जो है वीडियो फोटो लेके जो है थाने में शिकायत किए हैं, उसका क्या है? वीडियो फोटो में कहीं भी अगर ऐसा दिख जाए कि मैंने कोई मारपीट कर दी है तो मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ, ऐसा हुआ ही नहीं है, आप ला के दिखाइए। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24 न्यूज़।